तो अभी हो रही है इतनी भयंकर तेज बारिश हो रही है, बहुत ही तेज, और हवा भी बहुत तेज चल रही है और बारिश भी इतनी भयंकर वाली हो रही है। ओहो बर्फ पड़ गई, बर्फ बर्फ। ये है चांद सा चेहरा। ये है चांद सा चेहरा। अक्कू को देखो यहाँ छाता लेके घूम रही है। अक्कू अक्कू बड़ा मजा आ रहा बारिश में, है मजा आ रहा। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह से बारिश हो रही है और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और सामने तो बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है और यहाँ पे भी सुबह से बारिश लगी हुई है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों पे। तो कल शाम से बारिश हो रही है और अभी दिन के 12 बज रहे हैं, तो अभी भी जो है ना बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हल्की सी सुबह के टाइम पर बंद हुई थी तो, और फिर से स्टार्ट हो गई है। मतलब तभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों कैसा हो रहा है आज का मौसम, तो बहुत ही ज़्यादा फिर से पहाड़ों पे ठंडा होने लग गया है। जब अच्छे से धूप निकल रही थी तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है गर्मी का एहसास भी होने लग गया था और फिर से जो है ना ठंड का एहसास हो रहा है। तो इससे पहले एक बार ओले भी पड़े थे, लेकिन वैसे हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ती नहीं है, तो बहुत भयंकर ही बारिश हो रही है। और अभी ना आपको रो रही है कि मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे व्लॉग बनाना है। देखो आपको ने मुझसे छतरी भी ले ली। आपको बोलना है, बोलो। तो ये है देखो, आपको मुझे छतरी भी नहीं दे रही, मैंने बड़ी मुश्किल से आपको से छतरी मांगी, आपको छतरी दे दो, छतरी दे दो। ये देखो घूम रही है आपको छतरी लेके बस इधर से उधर। तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं तो लंच बनाएंगे, लेकिन लंच से पहले मुझे आज का जो वीडियो जाना है उसको मैंने एडिट तो कर दिया था, रात ही एडिट कर दिया था, क्योंकि फिर घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता है और वीडियो एडिट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एडिट तो मैंने कर दिया, बस मुझे उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करना है और उसके बाद उसे एक्सप्लोर करके अपलोड पर लगाना है। और देखते हैं मौसम इतना ख़राब है तो कितना टाइम लगता है। 12 तो बज गए हैं, 2 बजे मेरा व्लॉग जाना है और अगर टाइम से नहीं जाएगा तो फिर हस्बैंड की डांट भी सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो घर पर नहीं है। और आजकल जो है व्लॉग डालना, एडिट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है। वैसे वही डालते थे, लेकिन अभी जो घर पे है नहीं तो फिर मुझे ही डालना है, तो वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो पहले मैं क्या करूँगी, व्लॉग एक्सप्लोर करती हूँ, अपलोड करती हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लंच बनाएंगे और अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। और अक्कू ने ना मुझे अभी अभी छतरी दे दी है फिर से, ये लो आप ले लो, मैं अंदर जा रही हूँ। तो फाइनली व्लॉग अपलोड पे लगा दिया है मैंने और देखते हैं नेट कैसा चलता है। और देखो मौसम कैसा हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। और बारिश ना और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन कम नहीं हो रही है। और पीछे देखिए पूरा कोरा कोरा छा गया है, तो एक बार दिखाती हूँ आपको मौसम। वीडियो भी अपलोड पे लगा दिया, अब आगे देखते हैं, नेट अगर सही चलेगा तो टाइम से वीडियो आ भी जाएगी। और अपना काम तो हो गया है, अब चलते हैं नीचे लंच बनाते हैं। तो अक्कू को भी लेके चलती हूँ अपने साथ, अक्कू यहाँ शैतानी कर रही है। चलो पहनो अपनी स्लीपर, पहनो अक्कू जल्दी। नहीं, गीली है। नहीं है गीली, पहनो ना। शूज का आपके शूज का है वो पहनो, यहाँ से निकालो शूज, निकालो यहाँ से निकालो अक्कू, यहाँ नीचे है वो देखो, वो रे पहन ली शूज, पहन लिया ना अक्कू ने। चलो फिर यहाँ पे दरवाजा बंद करते हैं आपको, चलो चलो। मैंने एक कलर भी लिया है। हाँ चलो हाथ में, चलो चलो चलो, बारिश में भीग जाओगे आप छतरी के लिए। अरे 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 ठंडा का मौसम, चलो ये देखो म्याऊ भी हमारी यहाँ है, म्याऊ को भी बहुत ठंड लग रही है। पहन लिए शूज, पहन लिए ना अक्कू ने। चलो फिर यहाँ पे दरवाजा बंद करते हैं अक्कू, चलो चलो। मैंने एक कलर भी लिया है। हाँ चलो हाथ में, चलो चलो चलो, बारिश में भीग जाओगे आप छतरी के लिए।
अरे 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 ठंडा का मौसम। चलो ये देखो म्याऊ भी हमारी यहाँ है, म्याऊ को भी बहुत ठंड लग रही है। यहाँ कनस्तर में हो रहा है पानी गर्म और आग जल रही है। मम्मी जी यहाँ पे आग सेक रहे हैं। हाँ ठंड हो गया ना बहुत ज्यादा भाई। मैं पर मुखड़ दिखाओ फिर। ये है चांद सा चेहरा। ये है चांद सा चेहरा। दादी का चांद सा चेहरा ऐसे बोलो, दादी का चांद सा चेहरा है ना। ये दूसरी चांद है हमारी। ये छोटी चांद हमारी। आजा चांद चांद आजा 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 आजा। कलर भी हाथ में नाखून ने कर दिया। बाहर हटाओ मुंह से, बाहर हटाओ मुंह से, बाहर हटाओ मुंह से। ये छोटा चांद है और हमारे घर के बड़े चांद है। माँ जी क्या है? माँ जी है? है। और एक वीडियो में ना अक्कू ने जो मजाक वजाक चल रहा था वहां पे, तो अक्कू कह रही थी कि मेरी दादी से काम मत कराना, मेरी दादी नहीं करेगी काम, मम्मी आप ही करोगे। अक्कू इतनी समझदार है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती है ना। बहुत सारे कमेंट आए थे अक्कू के लिए कि अक्कू अपनी दादी को बहुत ध्यान रखती है, बहुत ख्याल रखती है अक्कू। ये छोटा चांद है, ये बड़ा चांद है। छोटा चांद है, ये बड़ा चांद। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया है, दिन के 1 बज गए हैं और मैंने लंच भी बना दिया है। आज लंच में बने हैं पीले चने और चावल। तो लंच करेंगे अब थोड़ी देर में। और मौसम बस ऐसी करवटें बदल रहा है, अभी हल्की हल्की सी धूप भी लगने लग गई है, कभी मोटी बारिश हो रही है कभी हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे ही जो है मौसम आज करवटें बदलने भी लगा हुआ है। ठंड में अक्कू और अक्कू की दादी ऐसे चिपके हुए हैं ना बस। तो अभी हम लंच करते हैं और अंदर ना लाइट ही नहीं आ रही है, लाइट भी चली गई। तो ऐसा होता है जब बारिश ज़्यादा होती है तो लाइट ही चली जाती है यहाँ। तो पहले खाना खा लेते हैं हम और उसके बाद मिलते हैं। तो सबको खाना दे दिया है, अक्कू को, मम्मी जी को, और यहाँ पे गुड्डी भी खा रही है। और ना किट्टी घूम रही है कि मेरा खाना कहाँ है कहाँ है। किट्टी को दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे रखा हुआ है, ले ये रखा हुआ है। किट्टी की कटोरी है ये, टाइम होता है एकदम आ जाती है। और थोड़ी देर पहले बारिश रुक गई थी और फिर से है ना जो बादल लग गए हैं, तो जो है ना बारिश जरूर आएगी क्योंकि पूरे में जो है ना बादल लग गए हैं। तो अभी हो रही है इतनी भयंकर तेज बारिश हो रही है, बहुत ही तेज, और हवा भी बहुत तेज चल रही है और बारिश भी इतनी भयंकर वाली हो रही है। और ओले भी पड़ने लगे। ओहो बर्फ पड़ गई, बर्फ बर्फ। तो देखिए दोस्तों बर्फ भी पड़ रही है और यहाँ कपड़ों में बर्फ पड़ रही है। तो अभी हल्की हल्की पड़ रही है।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये जो इससे पहले जो आपने क्लिप देखी है वो थी कल की, जिसमें बहुत ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हुई थी और ओले भी पड़े थे, जो कि मैंने मतलब पूरी कोशिश करी थी कैप्चर करने की, लेकिन इतनी बड़ा इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि मैं फिर ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अब मुझे बाहर आना पड़ता और फिर फ़ोन भी भीगता, तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। जितना पॉसिबल था, जितना कर सकती थी उतना मैंने किया और आपको दिखाने की पूरी कोशिश करी। तो कल मौसम इतना भयंकर ख़राब हुआ था ना कि बस क्या ही बताएं, क्योंकि मतलब इतनी तेज़ बारिश, और उसके बाद जो है ना मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि फिर हम घर के अंदर बैठ गए थे और लाइट भी चली गई थी। फिर देखिए, कल इतनी तेज़ बारिश हुई और हवा भी बहुत चल रही थी, तो ये सारे जो गेहूँ हैं पूरे पलट गए, और उधर आगे सरसों के फूल जो इतने सुंदर से लगते थे वो भी सारे ओले पड़ने से ना सारे फूल भी झड़ गए हैं। तो अब तो ये नीचे जो गेहूँ ऐसे पलटे हुए हैं इनको देख के, और आगे जो है सरसों के फूल भी थे इतने प्यारे से सुंदर से उगे हुए, वो भी सारे झड़ गए हैं ओले पड़ने से। सब लगा सकते हैं कि मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई थी और इतने ओले पड़ रहे थे, लेकिन ओले ऐसे पड़ रहे थे ना कि वो जैसे ही गिर रहे थे ना वैसे वो पिघल जा रहे थे। और जैसे और जगह मैंने देखा है बहुत से गाँवों में ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ ना ऐसी बर्फ़ नहीं पड़ती है कि जो मतलब काफ़ी टाइम तक जमी रहे, जैसे कल रात को पड़ी और सुबह तक, लेकिन ऐसे हल्के फुल्के ओले से पड़ रहे थे। लेकिन और ये वाली दीवार भी ना पूरी गीली हो गई है, तो आज धूप थी, सही था मौसम आज, लेकिन अभी इतनी जल्दी सूखेगी नहीं है दीवार। ऊपर वाली बच गई, नीचे वाली दीवार पूरी गीली हो गई। और सिम्बा अंदर है यहाँ, ये देखो दरवाज़ा बंद कर रहा सिम्बा। सिम्बा सिम्बा, इसको ठंड की वजह से अंदर बांध दिया है। और आपको तो बहुत ही बिजी है अपनी साड़ी पहनने पे, बहुत ही ज़्यादा शौक है आपको साड़ी पहनने का, जब देखो बस साड़ी में ही मिलेगी, चुन्नी लगी, यही काम है आपको का। अक्कू कल बारिश आई थी हैं, बर्फ़ पड़ी थी ना, बर्फ छोटे छोटे गोले पड़े थे ना बर्फ के। हाँ, मैंने उठा के बुआ को दिखाया, तब वो नीचे पड़ गया, तब वो पिघल गया। हाँ, वो ज्यादा देर रह नहीं रहे थे ना, पिघल जा रहे थे वो। हाँ, पिघल। और यहाँ पे हमारा पेंडू बन चुका है, आपको दुल्हन बन गई दुल्हन बन गई है, खुद ही से लगा ली थी, अब बस चुन्नी को घुमा घुमा के खुद ही से साड़ी पहन लेती है। पहले तो आपको बहुत परेशान करती थी, मुझे साड़ी पहनाओ साड़ी पहनाओ, अब देखो परफेक्ट हो रही साड़ी पहनने में। ब्लॉग को एंड करते हैं अक्कू के साथ। हाँ चलो करो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। Bye, I love you. And मेरी मम्मी का नाम है पाली ब्लॉगर रितिका 837। ये तो इंस्टा आईडी है। और मेरी मम्मी को वीडियो में फॉलो भी कर रहे हैं।